किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं विशाल ग्रुप समाणा पंजाब में। मेरे पीछे जो देख रहे हैं जो विशाल 435 है, जो भाई बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे विशाल 435 का रिव्यू लेकर आओ, हमें वीडियो देखनी है, मशीन देखनी है नए मॉडल की। और आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, कंपनी मुझे चार्ट दिया है वो बताना चाहता हूँ कि 2024 में किसानों के लिए विशाल हार्वेस्टर बहुत ही सस्ते दाम में मिलने वाली है, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, पूरी जानकारी देंगे, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना। दोस्तों, आज मैं विशाल हार्वेस्टर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अशोक लेलैंड का इंजन, जो कि भारत में सबसे भारत में जैसे पिछले सीजन में अभी जो धान की अभी कटाई होकर हटी है, इसकी सीजन में विशाल हार्वेस्टर ने 600 प्लस हार्वेस्टर पर BS4 इंजन का इस्तेमाल किया। और अच्छी बात ये भी है, अभी जितने भी इंजन लगाए गए हैं वो सारे भारत सरकार द्वारा टेस्टेड थे, अच्छे थे, बढ़िया थे। और मतलब कुछ कंपनी में क्या होता है, BS3 इंजन लगा देते हैं, उसको BS4 की कॉपी बनाते हैं, आपको दिक्कत आने वाली है उसकी, मगर कंपनी समय के हिसाब से अपडेट है। और BS4 इंजन में क्या क्या अपडेट है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ऊपर चलकर दिखाता हूँ भी इंजन में क्या खास है हार्वेस्टर में। किसान भाइयों, मैं आप ऊपर आ गया था हार्वेस्टर पे, और BS4 इंजन में क्या क्या अपडेट है और हार्वेस्टर का इंजन का क्या कैसे ध्यान रखें। अगर आपने हार्वेस्टर लंबे समय के लिए चलानी है, इंजन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इंजन की कैसे ख्याल रखें और इसको कैसे इस्तेमाल करें, और जैसे आपका सीजन ख़त्म हो जाता है तो इसको कैसे हम पार्किंग करें, काफ़ी लंबे समय पे होल्ड पे रखें, कौन कौन सी बातें का ध्यान रखना चाहिए वो बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं ऊपर आ चुका हूँ आपको इंजन दिखाने। तो इसमें दोस्तों कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे ये जो सिस्टम दिया गया है ये अपडेट है, जो बहुत हीट होता है दोस्तों, इसलिए इसमें जितने तारे लगाई गई हैं वो बहुत साइड से अलग की गई हैं, दूर रखी गई हैं। और इसमें आपने सबसे पहले ये चेक करना है भी जितने प्लग आपको लाइट तारे हैं वो दूर हो। और तीसरी बात, इसमें आपने ये चेक करना है भी यहाँ पे आपको रेड ना हो बीजे, अगर इसका साफ क्लीनिंग कीजिए, साफ होना चाहिए, अगर यहाँ पे लाल दिखा रहा है तो उसको बदलना पड़ेगा। और उससे पहले हार्वेस्टर का जो इंजन स्टार्ट करने से पहले आपने इसका पानी चेक करना है, इसमें पानी वगैरह है, और इसमें आपने यूरिया चेक करना है, इसमें यूरिया कितना पड़ा है वो चेक करना है, और इसमें ऑयल कितना पड़ा है वो अपने हार्वेस्टर शुरू करने से पहले चेक करना है। चलते समय आपने जो बातें ध्यान रखनी चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलते समय आपने ध्यान रखना है भी किसी तरह हर इंजन की लीकेज तो नहीं हो रही, किसी तरह हवा वगैरह तो निकल रही कहीं जगह, किसी जगह से पूरा ऊपर से लेके आपने नीचे तक चेक करना है। और तीसरा पॉइंट मेरा पॉइंट था भी सीजन ख़त्म होने के बाद आपको कौन सी बात को ध्यान रखिए। दोस्तों, जैसे ही सीजन ख़त्म होता है इसमें जो यूरिया डाला जाता है आपने वो यूरिया निकाल लेना है नीचे से। जब आप यूरिया निकाल लेते हो तो कंपनी की पॉलिसी के अनुसार आपने इसमें क्या करना है, गर्म पानी लेना है, गर्म पानी को इसके यूरिया के टैंक में डालना है, और उस अच्छे से उसको क्लीन करने के बाद जब आप हार्वेस्ट चलाते हो उसके बाद आपने इसमें यूरिया डालना है पानी निकालने के बाद। इस तरह आप इंजन का रखरखाव रख सकते हैं। और जो मेरे पीछे जब इंजन देख रहे हैं जो अशोक लेलैंड कंपनी का BS4 133 HP का इंजन है, और दोस्तों इसकी मैं जानकारी दूँ तो इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं इसमें तो बताता जाऊँ तो। और मैं नीचे आ गया था, आप ये मत वीडियो इसके पत कर देना भी, अगर भी इंजन की जानकारी दे रहे हार्वेस्टर के बारे में नहीं बता रहा कुछ तो मैं आपके हार्वेस्टर के बारे में ही बताऊँगा जो आप देख रहे हैं जी विशाल के हार्वेस्टर की, इसमें जान कर दूँगा। जो आप देख रहे हैं एयर टैंक भी दोस्तों बहुत अच्छा एक पार्ट है हार्वेस्टर का, जिसको अपने इसका जो प्रेशर है कम से कम, और जो आप इसका बहुत ध्यान रखना है हार्वेस्टर का। और इसमें लीकेज की बात करें तो आपने यहाँ पे देखना है भी किसी तरह हवा की लीकेज तो नहीं हो रही, यहाँ पे तो लीकेज हो रही नीचे तो सो नहीं कहीं लीकेज हो रही, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है अगर आपने इंजन की लाइफ आपको अच्छी चाहिए। और जो आप जो मोटा पाइप देख रहे हैं ऊपर से आ रहा है जे इंजन की जो ऑयल को निकालने में के दिया गया है, और हार्वेस्ट तो आप देख सकते हैं दोस्तों विशाल की काफ़ी अच्छी हार्वेस्टर है, फोल्डिंग हार्वेस्टर है, स्टील से बनी हार्वेस्टर है दोस्तों, काफ़ी अच्छे इसमें टायर दिए गए कंपनी के C8 के। और एक आपको टेक्निकल बात आपको बताना चाहता हूँ बैटरी के बारे में, जब आप इंजन की आप कुछ सर्विस करते हैं उसको साफ करते हैं तो आप दोस्तों ये कट जरूर कर दें इंजन की जो करंट है ना, इसको बैटरी से अलग कर दें तारों को, ताकि जो कोई दिक्कत ना आए आपको। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, काफ़ी बढ़िया यार हार्वेस्टर विशाल की,
तो मुझे तो मैं रिव्यू भी करूँगा अगली वीडियो में, आप देखिए। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर चढ़कर दिखाना चाहता हूँ भी आरपीएम और का सिस्टम क्या है BS4 में। दोस्तों मैं ऊपर आ चुका हूँ हार्वेस्टर पे, आगे जो ड्राइवर सीट है बैठने में बहुत कंफर्टेबल है। और PS4 इंजन में कि यहाँ पे क्या उसका इस्तेमाल किया गया वो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको LED में देखने को मिलेंगी, आपको RPM कितने पे चल रही है, कहाँ पे चल रही है मशीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक अच्छी बात ये भी है, आप मशीन को जितना भी तेज़ चलाना चाहते हैं यहाँ से इस बटन की मदद से चला सकते हैं। कम करना चाहते हैं इस बटन से आप धीरे चला सकते हैं, मतलब जितनी स्पीड रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको पैर की रेस देने वाली, अगर आप रोड पे जा रहे हो तो रोड पर भी आप इस पैर की रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ड्राइवर सीट से नीचे आ गए थे और उसके बाद एक ख़ास बात है यूरिया की। इसमें आपको गल्फ कंपनी का यूरिया डाला जाता है, जो कि अशोक लेलैंड कंपनी का ही बनाती है। आप इसी का ही इस्तेमाल करें अगर आपने इंजन की अच्छी लाइफ चाहते हो और डीजल की कंजप्शन कम चाहते हो, इसकी लाइफ ज़्यादा चाहते हो, कम डीजल पे ज़्यादा काम करे। BS4 का इंजन है जो 133 HP का, तो आप इसका यूरिया का भी आप अच्छा बढ़िया यूरिया डालता समय समय पे डालते रहें। ये थी वीडियो विशाल 435 और अशोक लेलैंड के BS4 ट्रंप 4 इंजन के बारे में। अगर दोस्तों आप भी ट्रंप 4 इंजन के साथ अपडेटेड रहना चाहते हो तो आज ही खरीदें BS4 की हार्वेस्टर जो विशाल 435 है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अगर आप विशाल 435 हार्वेस्ट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं विशाल कंपनी के, आप इन पर इन नंबर पर बात कर हार्वेस्ट को ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।